आदित्य चोपड़ा के साथ शादी करके एक प्यारी सी बेबी गर्ल की मम्मी बनने के बाद रानी मुखर्जी हिचकी मर्दानी और मर्दानी 2 के जरिए फिल्मी पर्दे पर फैंस के साथ जुड़ी हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से रानी ने शादी की और शादी के बाद रानी की जितनी फिल्में आई वो सभी उनके पति के होम प्रोडक्शन की है। रानी जिन्होंने YRF की आखिरी मूवी मर्दानी 2 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने अब बात की है इसी मुद्दे को लेकर। रानी से सवाल किया गया कि आखिर आप सिर्फ अपने होम प्रोजेक्ट्स पर ही क्यों जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? इस पर रानी ने कहा, मुझे दूसरे बैनर्स की तरफ से भी कुछ मूवीज ऑफर हुई हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने सोच बना ली है कि मैं यशराज फिल्म से बाहर काम नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ लोग इसमें यकीन करते हैं, लेकिन मैं फिल्म मेकर्स को कॉल करके ये नहीं कह सकती कि वो मुझे काम दे। लोगों को पहले तो मुझे स्क्रिप्ट्स के साथ अप्रोच करना होगा ताकि वो समझ सके कि मैं वो फिल्म करना चाहती भी हूँ या नहीं। प्रोडक्शन हाउस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो मैं उसमें काम जरूर करूंगी। मैं एक एक्टर हूँ और हमारे कबीले के लोगों को जो चीज एक्साइट करती है वो है अच्छी स्क्रिप्ट्स। अगर कोई डायरेक्टर मेरे सामने सॉलिड स्टोरी लेकर आता है तो कोई चांस नहीं है कि मैं उसमें काम करने से मना कर दूं। रानी मुखर्जी का कहना है कि मेरी आइडेंटिटी मेरे हस्बैंड की लेगेसी के बावजूद इंडिपेंडेंट है। रानी कहती हैं, मेरी शादी एक फिल्म मेकर से हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अब काम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ करूंगी। आजकल हर एक्टर की अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, इसके बावजूद वो दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं। ये अलग बात है कि मुझे जो बीती 2 अच्छी स्टोरीज ऑफर हुई वो YRF की ही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।